डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान की टीम ने बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम की और तीन रोज़ा जो सीरीज थी, तीन मुल्की सीरीज जो थी, उसमें पाकिस्तान टीम ने फतेहयाब होकर सामने आई। और साथ में सियासत के मैदान में भी आज काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब कराची पहुँचे और कराची में भरपूर जलसे की तैयारियाँ इस वक्त भी जा रही हैं, और गालिबन जब ये प्रोग्राम नशर हो रहा होगा तब खान साहब अपनी तकरीर ही करते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा जो तमाम मंजर इस वक्त तब्दील हो रहा है वो ज़मीनी इंतखाबात का है। दो रोज़ कबल हमने देखा कि सूरत हाल में कशीदगी पैदा हुई जब सेंटर आज़म स्वाति साहब को नामालूम मुकाम से, नामालूम जगह से उठाया गया, फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर इसके बाद दीगरे ज़मीनी इंतखाबात की मुलतवी होने की खबरें भी आईं। आज इन्हीं मौजूदात के ऊपर गुफ्तगू करें, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एम एम आलम सीनियर साहब की तजयकार नज़र, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस वक्त सियासत के मैदानों में हो क्या रहा है। एम एम आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जरा पहले तो पस मंजर बताएं, ये जो हमने देखा कि जिस अंदाज से सेनेटर आजम स्वाति साहब के साथ जो कुछ हुआ, और इससे पहले जिस अंदाज से चौधरी एतजाज एहसन साहब ने जो बयान दिया, इसके बाद आज उनको उनकी पार्टी की जानिब से शोकोज नोटिस भी जारी किया गया है, अचानक से ये जो लावा पक रहा था अब उबलने लगा है, क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। लेकिन आजम स्वाति साहब का जो मामला है अफसोसनाक है, और उन्हें सिर्फ एक ट्वीट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है जो उन्होंने ट्वीट किया, और जो पीका कानून है जिसको इमरान खान साहब ने खुद बनाया था, और उसके ऊपर हमारी साथी बिरादरी ने भी, हमारी जो रहनुमा है तंजीमों के, मुख्तलिफ तंजीमों के, उन्होंने एहतजाज किया, अदालत गए और स्पीकर के खिलाफ फैसला भी लेकर आए। तो ये पीका कानून के तहत कल आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया है, और आजम स्वाति साहब एक पीटीआई के अहम रहनुमा भी हैं और मौजूद सेनेटर भी हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद फिर जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके साथ किया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। यानी कि आप इस इनकी गुफ्तगू से जाहिर ये हो रहा है कि जो मुखालफत की बुनियाद पर जो लावा अब सीने में पकड़ा है वो इस तरह से बाहर आएगा। लेकिन मैं मानता हूं माजत कता कलामी की के मुझे ये जरा समझाए ना कि शहबाज गिल साहब के साथ ये जो मामला हुआ, चले गालिबन शहबाज गिल साहब को उसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन आजम स्वाति साहब सीनियर आदमी हैं, उम्र रसीदा शख्स हैं, उनको बरहना करके, अगर वो जो कह रहे हैं उनके बकौल के बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेके जाएगा? पाकिस्तान की सियासत बहुत डिफरेंट मोड पे जा रही है, बहुत डिफरेंट मोड पे जा रही है। आपने माजी में ऐसा कुछ देखा कभी, इस हद तक एक्सट्रीमिज्म पाया जाता हो पाकिस्तान की सियासत में? नहीं, हुआ है कई बार, मौके पे हुआ है। एमकेएम के जो लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उनके साथ इससे ज्यादा बुरा हशर किया जाता था, लेकिन करने वाले एक ही है, चाहे वो एमकेएम के साथ हो या बलोचिस्तान के अलगी पसंदों के साथ हो या फिर पंजाब में हो, केपीके में हो या अंदरूनी सिंध में हो, ये हुए हैं ऐसे वाकयात, और करने वाले तबका एक ही है। हम खुदारा उस तबके को कहते हैं कि खुदारा आप समझे भाई, पाकिस्तान बदल गया है, आप इस तरह के काम करके आप अपनी कदर मंजिलत में कमी कर रहे हैं, आप अपने आवामी सर्वे तो कराएं अपने तौर पे, आपको अंदाजा लगेगा कि आवाम आपके खिलाफ कितनी हो चुकी है आपकी इन हरकतों की वजह से। यानी कि मैं ये तो नहीं कि मैं पीटीआई से कोई बिलोंग करता हूँ, प्रो पीटीआई हूँ या मैं पी प्रो फलां पार्टी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मुझे भी अफसोस हुआ कि एक बुजुर्ग शख्स है जो सियासतदान है, सियासत कर रहा है, भाई आप अपने अंदर जो है आपको ये आर्टिकल 19 से बाहर क्यों समझते हैं? मैं कह रहा हूँ क्या, आप आर्टिकल 19 से अपने आपको बाहर क्यों समझते हैं? आजादी होनी चाहिए बोलने की, तो जो भी बोले उसकी आजादी होनी चाहिए। आपको अगर वो बात बुरी लगी है तो आप उस बुरी बात का जवाब कानून के तहत दें। आपने गिरफ्तारी दलील का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, आपने गिरफ्तारी कर ली थी, ये काफी था। ये मैं समझता हूँ कि ये भी गलत गिरफ्तारी हुई है, पीका कानून काला कानून है, गलत कानून है, ये गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चले गिरफ्तारी कर ली थी तो आप कानून के दायरे में रहकर उनको अंडर ट्रायल करते और आप जिस पे मुकदमा दर्ज किया है वो साबित करते अदालत के अंदर। लेकिन देखिये इसके साथ आजम स्वाति साहब के साथ तो अभी हुआ है, शहबाज गुल के साथ हुआ, शहबाज गुल को करंट के झटके लगाए गए, फिर वो एक साफी पकड़ा बोल टीवी का, वो रो रहा था एयरपोर्ट पे कि मुझे नंगा करके मारा जाए,
ये कौन सा तरीका है करने लेकिन वाला तो आलम साहब एक गीत जो तमाम तो सूरत हाल है, हमने देखा आजम स्वाति साहब ने जब ट्विटर पे ये तमाम तर गुफ्तगु लिखी तो उनकी उनकी पकड़ भी हुई, उनकी सरजनिश भी की गई, उनको फिर हिरासा भी किया गया एक तरीके से जो वो खुद कह रहे हैं। लेकिन चौधरी एतजाज एहसन साहब वकालत की पाकिस्तान में अगर वकला की बात की जाए तो सीनियर मोस्ट कानूनदान में उनका शुमार होता है, उन्होंने भी इसी तरीके की गुफ्तगू की लेकिन अभी तक उस तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा कि वहां पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी ताकीर के बाद एक शो कॉज जारी किया है। बस मनीष साहब एतजाज एहसन ने शो का बता दूं क्यों जारी किया है, एतजाज एहसन साहब ने वो बातें नहीं की जो स्वाति साहब ने की, स्वाति साहब ने तो बहुत लाइट वे में बात की है जी, एतजाज एहसन साहब ने तो खुल के बात की है और जबरदस्त किस्म की शटअप कॉल दी है। उनका तो इसलिए नहीं कुछ कर सके, वो वकील रहनुमा है, पूरे सियासी जमात उनके पीछे है, और वरना जो बातें स्वाति साहब ने की उससे 1000 times ज्यादा खतरनाक बातें उन्होंने की हैं। लेकिन आपको हौसला रखना चाहिए सुनने का, अपने ऊपर तनकीद करने का। ये 90 की दिहाई, 80 की दिहाई या सन 2000 की परवेज़ मुशर्रफ की दिहाई नहीं है कि आपको मुखालफत करेंगे तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप किस किस को बंद करोगे आप। फिर दूसरी बात यह है कि जो शोकाज हुआ है, शोकाज के खिलाफ बोलने पर नहीं हुआ है, शोकाज नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने पर हुआ है कि जो जो शहबाज शरीफ और उनके बेटा जो बरी हुआ है हमजा शहबाज, उस पर एतजाज साहब ने, उस पर एतजाज साहब नहीं पूरा पाकिस्तान उस पर हंस रहा है। लेकिन एमएम आलम साहब अब ये तो यकीन तौर पे एक सिनेरियो है, जरा गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये जो जमीनी इंतखाबात हो रहे हैं यहाँ तो देखा जा रहा है कि एक रिफ्ट है, नजर भी आ रही है और कहीं ना कहीं एक लावा पकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब अगर इसका असर जमीनी इंतखाबात पे देखें, मुतअद्दिद बार ये कोशिश कराई गई कि जमीनी इंतखाबात में मुलतवी किया जाए, किसी ना किसी तरीके से इसकी डेट में डेट आगे बढ़ाई जाए, और आज भी गालिबन इस बात की कोशिश की जा रही है जो इतलात हैं के एक टेरर अटैक के हवाले से बात की जा रही है, दहशतगर्दी के हमले के हवाले से खदशा जाहिर किए जा रहे हैं और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जमीनी इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए। क्या हुकूमत की ये पॉलिसी या ये सोच है, इसके पीछे कोई वजूहात है या दरअसल ये तमाम तर चीजें एग्जिस्ट करती हैं? जी इसके पीछे वजूहात है और बुनियादी वजह यह है कि जिस अंदाज में उन्होंने महंगाई को बरकरार रखा हुआ है, जिस तरह से पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो रही है और जहां से हम पेट्रोल खरीदते हैं, जहां हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं वहां पे फी बैरल जो है कमी आ रही है और हमारे यहाँ पेट्रोल की खातिर खा कमी नहीं आ रही है। आज भी देखें 6 रुपए आप डॉलर में, 3 रुपए डॉलर में इजाफा हुआ है जी। और मतलब आप शख्सियत की बुनियाद पे मुल्क चला रहे हैं, साफदार पाकिस्तान में है तो डॉलर कंट्रोल में है, साफदार अमेरिका चले गए 3 रुपए डॉलर बढ़ गया, आप इस बुनियाद पे मुल्क को चला रहे हैं कि आवाम पिसती है तो पिसती रहे, हम आ गए तो हम आने के बाद जो है हम तो अपना अपने कैसेज खत्म करेंगे। आप अपने अपने मकासद के लिए आए, तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान बिलावल ये अपनी जात के लिए इस वक्त आए हैं, क्योंकि हम भी ये समझ रहे थे इनके आने से पहले कि भाई जो तूफान महंगाई का तूफान इमरान खान साहब के जमाने में आया था उसको कम करेंगे ये लोग, इन्होंने तो उसका डबल कर दिया और डबल करने के बाद फिर अपने कैसेज को निपटा रहे हैं, ये अपने कैसेज पर भलाई ले रहे हैं। तो ये जो वजूहात है ना ये उनको डरा रही है कि आवाम इस वक्त जो है आवाम में लावा पका हुआ है और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि इनको कहीं भी कामयाबी मिलने के इम्कान नहीं है। कोशिश जरूर कर रहे हैं ये कि हम जो है इलेक्शन को पोस्टपोन कर लें, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टैंड लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें कि शायद ओपोजिशन पार्टीज ने या हुकूमती जमातों ने उस वक्त इस बात को नहीं गेज किया होगा कि तमाम तर सीट्स के ऊपर खान साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने आ जाएंगे। आज भी खान साहब कराची में मौजूद हैं, फिर इससे पहले मर्दान में मौजूद थे, तो तमाम तर इलाकों में खान साहब तो एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं, जबकि अगर हम पीडीएम की लीडरशिप की बात करें तो वो आज भी हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आती। मरियम नवाज साहिबा जो कि ऐसे इलेक्शन के टाइम पे उनको मुल्क में होना चाहिए था वो मुल्क से दूर हैं, पीडीएम की जो दीगर क्यादत है वो इस तरीके से अमली सियासत में जलसों में सरगर्म नजर नहीं आती। तो क्या कहीं ना कहीं हुकूमत चाहती तो छोड़े तैयार भी नहीं है या ख्वाहिश भी नहीं है कि इलेक्शन में जाए? असल में ये आपने बहुत अच्छा तजिया किया, जिस वक्त कौम को जरूरत थी इनकी है ना, वो कहते हैं जब वक्त कयाम आया नादान गिर गया सजदे में, जब वक्त कयाम आया इनका वक्त कयाम था, आवाम के साथ खड़े होने का वक्त था इनका, मरीम नवाज का जो कि मुस्लिम लीग की मेन लीडरशिप में शुमार होती हैं,
इनका वक्त था यहाँ बैठने का, पप्पा से मिलने चली गई। बिलावल भुट्टो का वक्त है कि वो सिंध में बैठे, उनको बस मौका चाहिए, अभी कोई इनको बस कॉल आ रही की देर है किसी वजीर खारजा की, वोट कहेंगे जहाज पकड़ेंगे बाहर चले जाएंगे। तो ये इन लोगों का ये वतीरा आज का नहीं है, पुराना है। आवाम को हमेशा जूते की नोक पर रखते हैं ये 70 सालों से इस्टेब्लिशमेंट में, और इन दो जमातों ने आवाम को जूते की नोक पर ही रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आवाम अपने हक के लिए सोशल मीडिया के जरिए बोलना शुरू हुई है। तो अब ये इनको जब बोलना शुरू हुई तो इनको तकलीफ होना शुरू हो गई। तो आप देखें कि जब वक्त था कि मरियम नवाज के पंजाब की लीडर है, या वो उनके पंजाब में इतना ज्यादा खराब नहीं है ना, आप सिंध में डेरे डाल के बैठे, आप बैठे सिंध में देखेंगे जो, लेकिन साहब इस बात को इंतखाबी अमल में वो नजर ही नहीं आई, सिरे से वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती रही। पहले वो कहती थी कि मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा, मुझे रोका जाता है, और आज जब उनके पास मौका है, अदालतों से उनके केसेस खत्म हो चुके हैं, तो उनको कौन रोक रहा था? वो आज आती है अमली सियासत में किरदार अदा करती, जलसे करती, जुलूस करती। लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग की तमाम तर टॉप टियर लीडरशिप इस वक्त किसी भी तौर पर इलेक्शन की मुहिम में नजर नहीं आ रही। अच्छा देखें, इनको क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद खड़े होने का ऐलान कर दिया ना, तो अब ये इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और बहुत कामयाब स्ट्रेटेजी है उनकी। वो क्या करते हैं, बैक स्क्रीन के ऊपर इनके बयान चलाते हैं अवामी इस्तेमाल के अंदर, जिसमें मरियम साहिबा कभी कुछ कहती थी, आज कुछ कहती हैं, शहबाज शरीफ कल कुछ कहते थे, आज कुछ कहते हैं। ये कंपेरिजन जो है इनके झूठ का, और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। जब जिस आदमी में, जिस शख्स पे अल्लाह लानत बरसा है, तो उससे बंदा क्या रौनक बरसा सकता है। तो ये इनकी अभी इनकी घबराहट का मामला ये है कि हर हलके पे इमरान खान खड़ा है, और इमरान खान बैक स्क्रीन के ऊपर इनके झूठ चला रहा है। तो ये इस बात से घबराए हुए हैं, और इलेक्शन कंपेन में इमरान खान के खिलाफ क्या लाए, मिसाल के तौर पर ये आके बोलेंगे कि जी इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, तो आपने मुल्क को क्या खुशहाली पहुंचा दी। ये बोलेंगे इमरान खान ने महंगाई का तूफान लेके आया था, आप महंगाई का क्या, महंगाई आपने छांट दी, खत्म कर दी। आप कहेंगे कि जी इसने इमरान खान ने पाकिस्तान के रुपए की कदर को बेड़ा गर्क किया, तो आपने क्या किया, आपने डॉलर को कहां पहुंचाया। यानी कि हर चीज का कंपेरिजन अगर होगा तो ये फेल हो जाएंगे। ये बड़ा हुकूमत के अंदर ये लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन अहम आलम साहब, मैं चाहूंगा जरा कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए। खान साहब आज कराची में मौजूद हैं, कराची की सबसे बड़ी जमात जो कहलाई जाती थी मुत्तहिदा कौमें में पाकिस्तान, उनका गवर्नर भी अब तैनात हो चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी काफी सारे मामलात और इबाम पैदा हो चुके हैं कि उसकी तैनाती हुई तो हुई कैसे। फिर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट गया कि उन्होंने पहले 5 नाम दिए, फिर 2 नाम दिए, जबकि एक इंटरव्यू में मौजूदा सदर पाकिस्तान ने इन तमाम तर बातों की नफी की, और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि महज उनको एक ही नाम रिसीव हुआ जिसकी उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है, ये कराची की सियासत को कहां लेके जा रही है? देखें, इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं, और पीटीआई की क़यादत ने बहुत कोशिश की कि जब इमरान खान कराची आएँ तो एमकेएम की क़यादत से इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाए। ये आपका खबर है या तज़िया? नहीं, खबर ही है, बिल्कुल खबर है। तो ये इसमें नाकामी हुई, और कोशिश ये थी कि इमरान खान की मुलाकात हो, मुलाकात होने के बाद इस मौजूदा दौर में भी और आइंदा के लिए भी कोई लाया अमल मुश्तरक तरतीब दिया जाए। लेकिन चूंकि एमकेएम इस वक्त एमकेएम की डोर कहीं और से हिलती है, जो पहले पीटीआई के लिए हिलती थी, अब पीडीएम के लिए हिलती है, तो एमकेएम इस पोजीशन में नहीं थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करें। 3-4 सेशन होने के बावजूद एमकेएम की आला क़यादत ने रजामंदी से इनकार किया कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। इस वक्त तैयार भी है कि मुलाकात कर सकती, क्योंकि हमने देखा कि बादराबाद मरकज से जो फुटेजेस सामने आई, वहां पे कारकुन एमकेएम के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में एहतजाज भी करते हुए दिखाई दिए। फिर जो गवर्नर की तैनाती हुई, उसके बाद से ऑलरेडी पार्टी के बड़े सारे सीनियर रहनुमा शशोपंच का शिकार हैं, वो अभी भी क्लियर नहीं है कि रातों रात इतनी बड़ी तब्दीली हुई तो हुई कैसे। देखिए, एमकेएम जो अब ऐसा लगता है कि एमकेएम पर एक टोला मुसलत हो गया है, एक 10-15 लीडरों का टोला मुसलत हो गया है। उन्होंने फैसला कर रखा है कि बस इस वक्त जितना भी लूट खसूट करें या फिर औरों से फायदा उठाएं, अब इन चंद अफराद के अंदर ही है। आपको लगता है कामरान किशोरी साहब की जो तैनाती है बतौर गवर्नर, आपने कहा, मैंने खुद वो इंटरव्यू सुना सदर साहब का वसीम बादामी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक नाम भेजा गया था, यहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने 2 नाम भेजे थे, और पहले 5 भेजने का कहा गया था, वो भी नहीं, खातून का नाम जो है नसीम मना कर दिया गया।
सदर साहब ने कहा ना पहले कोई नाम आए मेरे पास और ना अभी आए, पहली मरतबा एक ही नाम आया, कामरान तिशोरी जो सदर साहब के बेटे का दोस्त है उनका नाम आया और वो कबूल कर लिया गया। ठीक है, एमकेएम की जो सब जो कारकुनान का तबका है, जो निचली क्यादत है, जो यूनिट और सेक्टर लेवल पे या कहीं राबता कमेटी, अक्सरियत राबता कमेटी, राबता कमेटी भी वो जो कारकुन से राबता कमेटी तक पहुंचे हैं जी, वो राबता कमेटी इस वक्त कामरान तिशोरी की तैनाती को लेकर वो समझ रही है कि हम पर एक टोला मुसलत हो गया है, उनमें से जिसकी भी मुखालफत हुई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी का, मैं आपको थोड़ा दो मिनट लूंगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, वो अपने कारकुनान को अपने रहनुमाओं को धमकियां दे रहे थे कि जो भी हमसे हटके चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई तुम क्या करोगे, कार्रवाई तुम्हारी हैसियत क्या कार्रवाई करने की, तुम ये करोगे कि कर्नल साहब को नाम दे दोगे चार आदमियों को ये हमारे मुखालफत कर रहे हैं, वो कब उठा के रात को उनको घर से ले जाएंगे और ले जाके उनको फिट कर देंगे किसी मुकदमों के अंदर। आप यही काम कर सकते हैं, आप खामा खाई कराची वालों का टाइम जाया कर रहे हैं, कराची जा चुका है इमरान खान साहब के पल्ले में और इमरान खान साहब इस पोजिशन में आ गए हैं कि इनको जो 6-7 सीटें मिली थी वो भी इनसे वापस ले लें। कामरान तिशोरी साहब का गवर्नर का की तैनाती क्या ये एमकेएम के लिए उनके हक में जाएगी या उनको बहुत बड़ा डेंट पहुंचाएगा ये फैसला? देखिए कामरान तिशोरी वो गंद है, इसके करीब जो खड़ा होगा सीटें उसके ऊपर आएंगी। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि इन्होंने रेलवे की जमीन पे कब्जा करके तिजोरी हाइट्स बनाया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, शेख रशीद साहब ने सोमोटो लिया और मुकदमा भी दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। कामरान तिशोरी चूंकि एक बड़ा फिगर है प्रॉपर्टी के हवाले से, टाइकोन है, इसने पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई मोतबर रहनुमा रजा रब्बानी साहब को, जो सेनेटर है रजा रब्बानी साहब, उनका एक बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी, बड़ा कद है, बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा नाम है और मैं भी बड़ी कदर करता हूं उनकी, लेकिन उनसे ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने पैसों की खातिर एक वकील बन गए और पैसों की खातिर कामरान तिशोरी की वकालत की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार के सामने। जब ये रोस्टरम पे खड़े हुए, मैं खुद मौजूद था वहां पे, जब खड़े हुए तो रजा रब्बानी साहब ने कहा कि जी मैं इनका काउंसिल हूं, तो जस्टिस गुलजार ने कहा कि रजा रब्बानी साहब आपका इतना बड़ा नाम है, आपको शर्म नहीं आ रही है, किस आदमी के लिए आप खड़े हैं? वर्ड ये थे जस्टिस गुलजार के कि किस आदमी के लिए आप वकील बनकर आए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? क्या आप अपनी पार्टी से पूछ के आए हैं कि आप इसकी वकालत करेंगे? क्या इसकी वकालत करने से आपका नाम खराब नहीं होगा? तो रजा रब्बानी साहब ने शर्म के मारे अपना पावर विदड्रॉ किया, वकालतनामा वापस लिया एक ऐसे आदमी के लिए जिसको आज हम पे गवर्नर बना के मुसलत किया गया है। एमपीएम के पास इससे बेहतर कोई आदमी नहीं था, होना ये चाहिए था कि आप एक अच्छा सिंधी दानिश्वर ले आते, चले आपके पास महाजिरों में कोई काबिल आदमी नहीं है, आप एक अच्छा सिंधी दानिश्वर ले आते जो सिंधियों के सामने महाजिरों का मुकदमा पेश करता, बिल्कुल सही, एक अच्छा पंजाबी दानिश्वर ले आते, और एमकेएम में ऐसे बड़े नाम है, पठान है, सिंधी है, पंजाबी, ऐसे बड़े सारे नाम है एमकेएम पाकिस्तान में के जो आके सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं और मुकदमा भी पेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एमकेएम से लेते हैं, आप बाहर से लेते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को लेते हैं, प्रोफेसर साहब को लेते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल हमारे पास, आपने कामरान तिशोरी देखे ये साबित कर दिया है कि आपके पास जो महाजिर हैं, देखिए मैं भी महाजिर हूँ, एमकेएम मेरी नुमाइंदा नहीं है, ठीक है, और लोग जितने भी महाजिर हैं वो भी ये कहते हैं कि एमकेएम हमारी नुमाइंदा नहीं, जितने महाजिरों की एमकेएम नुमाइंदगी करती है 10-20-25 हजार 50 हजार उन महाजिरों में तो चलो इनको नहीं मिला कामरान तिशोरी से काबिल आदमी, चलो सिंधियों में से ले लेते हैं, कोई सिंधी कोई पंजाबी, तो मतलब आपका मतलब यही है कि ये जो फैसला है आगे चल के, मुनीर साहब असल मामला ये है कि आज कराची का मुकदमा पेश करना है जरदारी माफिया के सामने है, जरदारी मुतासिबाना अंदाज में, आप आज मौका है कि सिंधी कोई आदमी आप अच्छा गवर्नर सिंधी लगा देते हैं इंटेलेक्चुअल जो सिंधी कौम के सामने महाजिरों का मुकदमा पेश करता है कि तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं, इनका हक मारा जा रहा है, इनका साथ दो, इनकी हिमायत करो, इनकी मदद करो, जरदारी इनका हक खा रहा है, उसकी पूरा टोला का हक खा रहा है, यही एक या कोई आप पंजाबी जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी वो पंजाबी है, आपको पंजाबी इंटेलेक्चुअल गवर्नर बना देते वो जाके पंजाब में मुकदमा पेश करता, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुकदमा पेश करता कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया आप उनके साथ नाजायज कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, आप उनके साथ हमदर्दी करो। आज मौका था कि आज महाजिरों का मुकदमा उन लोगों के सामने पेश किया था जिन्होंने महाजिरों का इस्तेमाल किया हुआ है, खालिद मकबूल के पास तो है क्या, कुछ भी नहीं है उसके पास ना, अंदर की बातें चंद बातें बोल दूं तो अभी
नहीं नहीं ठीक हो गया मेरे ख्याल से एम एम आलम साहब गुफ्तगू आपने बड़ी खुल के की और ये आपके मौकफ को भी हम तक पहुंच चुका और आवाम भी तमाम तर सूरत हाल को देख रही है, सुन रही है, समझ भी रही है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस अंदाज से तजिया पेश किया जो जमीनी हकायक है, हम कोशिश वही करते हैं कि दरअसल जो जमीनी हकायक है वो आप तक पहुँचाएं। और यहाँ पर ये बात कहना बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जो इस वक्त हो रहा है जमीनी इंतखाबात की सूरत में, वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ पहलू हैं और साथ में जो हदफ है वो भी बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। जहाँ पर तहरीक इंसाफ का इस बार जो इंतखाबी मामलात से जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त फोकस ये है कि वो किसी भी तौर पर अपनी अवामी मकबूलियत को स्टैम्प करे इंतखाबी अमल में आके उसको जीत के, तो दूसरी जाने पीडीएम भी कोशिश कर रही है कि खान साहब की जो मकबूलियत है जिसका वो दावा कर रहे हैं उसको निगेट किया जाए और पीडीएम कहीं ना कहीं अपनी अवामी नुमाइंदगी का सबूत दे, उनकी उनके इक्तदार में होने का सबूत दे और वो इस बात का ऐलान करें कि पीडीएम जो मौजूदा इक्तदार में मौजूद है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो डिजर्विंग है और ये जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से चलती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है कि इस इंतखाबी अमल को रोका जाए या मुलतवी किया जाए। माजी में कुछ अरसे पहले हमने देखा कि ये इंतखाबी अमल काफ़ी बार मुलतवी हुए और मुख्तलिफ वजूहात भी थी, लेकिन इस बार जो वजूहात पेश की जा रही गालिबन कभी इम्कान है कि जो कोशिश है कि दहशतगर्दी के खतरात के तहत इस तमाम तो सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए और इंतखाबी अमल को आगे की तरफ ले जाया जाए। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।